नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल रोचक एग्रीकल्चर में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने के लिए आए हैं इफको के नए उत्पाद नैनो यूरिया और नैनो डीपी के बारे में। जैसा कि इफको लगातार नई तकनीक के द्वारा अपने उत्पादों का विकास करता रहता है, जिससे कि हम किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता रहे। इन्हीं प्रयासों के द्वारा नैनो तकनीक से निर्मित इफको नैनो यूरिया तरल, इफको नैनो डीपी तरल उत्पादों का विकास किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इफको नैनो यूरिया तरल के बारे में। यह फसल को उचित पोषण देता है और हमारी फसल की उपज को बढ़ाता है। इसकी 500 ml की बोतल 225 रुपये अंकुरित कीमत आती है। यह एक बोरी यूरिया के बराबर होता है, जो बोरी से सस्ता होता है। साथ ही साथ यह पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है और हमारी सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त होता है। अब बात करते हैं इफको नैनो डीपी तरल के बारे में। इफको नैनो डीपी तरल नैनो टेक्नोलॉजी से बना उर्वरक है, जो जड़ों के विकास में सहायक होता है, शाखाओं और फूलों की संख्या बढ़ाता है, फसल उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करता है, किसानों की लागत कम करता है और आय बढ़ाता है, भंडारण और परिवहन में आसान होता है। इसके 500 ml बोतल की कीमत मात्र 600 रुपए है, जो कि डीएपी की बोरी से मात्र आधी है। अब हम बात करते हैं इफको नैनो डीएपी से हम बीज उपचारित कैसे करेंगे। प्रति किलो बीज के लिए 3 से 5 ml नैनो डीएपी तरल का प्रयोग करें और इसका आवश्यकता अनुसार पानी का घोल बनाकर अपने बीजों पर छिड़काव करें। बीज उपचारित करने के बाद 20 से 30 मिनट तक बीज को छांव में सुखाएं। उसके बाद हमें बीज अपने खेत में बोना। अब हम बात करते हैं इफको नैनो यूरिया तरल का प्रयोग करने का सही तरीका क्या होता है। उपयोग से पहले हमें सबसे पहले अपनी बोतल को हिलाना है। पत्तियों पर सामान छिड़काव के लिए हमें फ्लैट नोजल या कट नोजल का प्रयोग करना चाहिए। ओस से बचने के लिए हमें सुबह व शाम के समय छिड़काव करना चाहिए। यदि छिड़काव के बाद 12 से 15 घंटे के बीच बारिश हो जाती तो हमें छिड़काव दोबारा करना पड़ता है। इसे बायोस्टिमुलेंट यानी कि बायोस्टिमुलेंट यह होता है कि प्राकृतिक एवं सिंथेटिक पदार्थ होते हैं जिन्हें बीजों और मिट्टी पर लगाया जाता है और पानी वाले घुलने वाले उर्वरक के साथ मिलाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। बेहतर परिणाम के लिए इसे 1 साल के भीतर प्रयोग करें। नैनो यूरिया का छिड़काव हमें कब करना चाहिए? प्रथम छिड़काव हमें 1 महीने के अंदर करना चाहिए और दूसरा छिड़काव हमें प्रथम छिड़काव के 20 से 25 दिन बाद करना चाहिए। इस प्रकार से हम नैनो यूरिया और नैनो डीपी का छिड़काव करेंगे और बेहतर से बेहतर लाभ उठाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए।